डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए, डीएनए कैसे स्टेबल। कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर हैं, इस चीज में हम आज इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए, डीएनए जो है वो स्टेबल कंपाउंड है। हमने पढ़ा कि डीएनए ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू आरएनए। डीएनए ज्यादा स्टेबल है इसीलिए तो जेनेटिक मटीरियल है वो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स का, फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, ठीक है ना। आरएनए स्टेबल नहीं है, क्यों नहीं है स्टेबल, क्योंकि उसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इसलिए आरएनए स्टेबल नहीं है। अब डीएनए की स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है और डीएनए को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कौन दे रहा है, ठीक है ना, और डीएनए के डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर क्या क्या है, इस चीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए में सबसे पहले जो मेजर स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन है, मेजर स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन जो है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की, वो है वाटसन एंड क्रिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको पता है वाटसन एंड क्रिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, हमारे पास दो स्ट्रैंड है और ये दोनों स्ट्रैंड जो एंटी पैरेलल में रन करते हैं, एक स्ट्रैंड 3' to 5' है, दूसरा स्ट्रैंड जो है वो 5' to 3' है। आपको पता है 3' पे OH ग्रुप फ्री होता है और 5' पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री होता है, ये चीज़ तो आपको पता है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन एंड वाटसन क्रिक बॉन्डिंग करें तो ये तो दो स्ट्रैंड के बीच में होते हैं ना, और ये दोनों स्ट्रैंड जो है ये एंटी पैरेलल होते हैं, क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होंगे। तो दो स्ट्रैंड्स के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जैसे एडिनिन और थाइमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, एंड दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नोन एज वाटसन एंड क्रिक हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे बताऊँ, गवानीन और साइटोसिन के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। अब देखो, ये तो आ गया ना दो स्ट्रैंड के बीच में, ये दोनों स्ट्रैंड जो एंटी पैरेलली रन कर रहे हैं, ठीक है ना, ये इनके बीच में आ रही है इंटरेक्शन। लेकिन अब एक स्ट्रैंड को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, एक स्ट्रैंड को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ये नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में जो इंटरेक्शंस होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस के बीच में जो इंटरेक्शंस होती है, इन इंटरेक्शंस को कहते हैं बेस स्टैकिंग इंटरेक्शंस। क्या कहते हैं, बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन। और ये बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन जो है ये स्ट्रैंड में होती है, विद इन द स्ट्रैंड होती है। नाउ ये जो बेस स्टैकिंग इंटरेक्शंस हैं ये दो तरह की है, एक आती है यहाँ पे इस बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन में, एक आती है हाइड्रोजन सॉरी एक आता है यहाँ पे बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन में, एक आता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। क्या आता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, एक आता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के साथ साथ में आता है वैंडरवाल इंटरेक्शन भी, वैंडरवाल इंटरेक्शन। अब देखिए, ये जो दो स्ट्रैंड है डीएनए के, इसके सराउंडिंग में नेगेटिव चार्जेस होते हैं, और आपको पता है चार्ज की एक प्रॉपर्टी है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो वो रिपल्शन करेगा, या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो ये भी रिपल्शन करेगा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो वो अट्रैक्शन करेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे तो इन दो स्ट्रैंड को दूर रखने की कोशिश कौन कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज कर रहा है, कौन कर रहा है, नेगेटिव चार्ज कर रहा है, और ये नेगेटिव चार्ज जो है दीज आर बेसिकली डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये क्या है, ये डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है। तो डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर कैसे आता है, डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर आता है जब इन नाइट्रोजन बेस के बीच में मिसमैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा, जैसे एडिनिन के साथ जेंथीन जुड़ गया है, या थायमिन के साथ जेंथीन जुड़ गया है ना, या फिर एडिनिन के साथ हाइपोजेंथीन जुड़ गया, तो मिसमैच आ गया न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में। जब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में मिसमैच आ गया तो डीएनए स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि मिसमैच जो नाइट्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन वाटसन एंड क्रिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के तहत बॉन्डिंग होनी चाहिए, अगर ये बॉन्डिंग नहीं हो रही है, इसमें मिसमैच हो रहा है, क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है, तो मिसमैच से डिस्टेबलाइज होता है डीएनए, ठीक है ना। और उसके साथ साथ दूसरा आता है स्टीरियोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस। ये जो स्टीरियोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, जैसे ये नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो ये रिपल्शन का काम करेंगे, दीज आर द बेसिकली स्टीरियोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस। ये दो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं। आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, हमने इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को क्या किया, हमने इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हाई टेम्परेचर में डाल दिया, तो ये डीनेचर होकर सिंगल स्टैंडर्ड बन गया, है ना। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है उसको हाई टेम्परेचर पर ट्रीट करके वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में हो गया, ठीक है ना, आई बस समझ। प्रोसेस इज नोन एज डीनेचुरेशन, प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डीनेचुरेशन। तो स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए में एक फैक्टर डीनेचुरेशन का भी रहता है। अब डीनेचुरेशन क्या है कि जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कब होगा, जब हम इसको हाई टेम्परेचर पे देंगे, है ना,
चेंज इन टेम्परेचर बहुत हाई रखेंगे तो तब डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए में डीनेचुरेशन हुआ, डीनेचुरेशन मतलब हुआ ये डिस्टेबलाइज हो गया, क्या हो गया डिस्टेबलाइज हो गया। अब ये डीनेचुरेशन कैसे होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक डाउन होगी है ना, इससे क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक डाउन होगी एक ये। दूसरा जो बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन है, जो बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन है ये भी ब्रेक डाउन होगी, ये भी ब्रेक डाउन होगी। ये तो एक स्टेप आ गया, ऐसे ही दूसरा स्टेप क्या होगा फिर जब रीनेचुरेशन होगा तो रीनेचुरेशन में क्या होगा कि हमारे पास जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये क्या करेंगे इसको हम रीनेचर करेंगे। रीनेचर मतलब इसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर वगैरह दे देंगे, तो जब इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलेगा तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा डबल स्ट्रैंडेड में। प्रोसेस को कहते हैं रीनेचुरेशन, प्रोसेस को क्या कहते हैं रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर हम इसको ग्राफिकली देखें, क्या अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो ग्राफिकली ये कैसा होगा, अगर हम इसको ग्राफ की फॉर्म में देखेंगे तो एक साइड से देखेंगे, अब यहाँ पे टेम्परेचर ले लेंगे तो किसी ये टेम्परेचर तक जो अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो जो डीएनए वो डीनेचर हो जाएगा, उसके बाद फिर से रीनेचर हो जाएगा। आई बात समझ। तो ये जो पीक वाला ग्राफ है ना, यहाँ पे जो थर्मल मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है, वो कैसा है हाई है, यहाँ पे डीएनए की रीनेचुरेशन ये डीनेचुरेशन होगी। डीनेचुरेशन होने के बाद जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ये रीनेचर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हमारे पास अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ये इस पॉइंट पे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है फिर वापस से डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है ये चीज़, क्लियर है? तो थैंक यू, ये था आज का टॉपिक स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए, डीएनए स्टेबल कैसे, इस चीज़ पर हमने आज डिस्कशन किया। थैंक यू।